अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML 5 एंड CSS 3 में लेसन नंबर 40 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हमने टेबल के ऊपर काम करना है कि आप अपने HTML वेब पेज के ऊपर आप टेबल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। टेबल की विड्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ और देखते हैं आज का हमने क्या क्या काम करना है। आज के लेसन में हमने लेसन नंबर 40 और आज के लेसन में हमने इंट्रोडक्शन टू HTML टेबल देखना है, हाउ टू ऐड टेबल इन वेब पेज, अप्लाइंग बॉर्डर इन टेबल, अप्लाइंग हेडिंग ऑन टेबल, यूजिंग स्पैन एंड अदर टैग्स, और CSS टेबल में आप कैसे अप्लाई करते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि टेबल होता क्या है। HTML टेबल है हमारे पास, अब देखें सामने तो आपको यहाँ पे ये HTML टेबल नज़र आ रहा है, एग्जांपल है इसकी। तो इस तरह का हम टेबल ड्रॉ करेंगे, इसमें कलर वगैरह भी देंगे और इसमें स्पेस और हेडिंग्स वगैरह देना सीखेंगे कैसे देखते हैं। HTML टेबल की जो पहली एग्जांपल है वो क्या है जी, आप देखें इस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। अब मैं इसको यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास ये एक टेबल है, यहाँ पर बॉडी में टेबल का स्टाइल विड्थ मैंने 100% दे दिया, यहाँ से यहाँ तक एरिया जो मैंने दिया ये 100% इसका आ गया। अब इसमें TDTR का मतलब है टेबल रो, एक हमने टेबल का टैग यूज़ किया टेबल, और टेबल के टैग के अंदर ये सारे काम करें हम। देखें टेबल, ये भी टेबल है, टेबल और यहाँ पे भी टेबल है, टेबल के अंदर हम TR मतलब होता है टेबल रो, R का मतलब है रो। टेबल रो क्या है, हमारे पास तीन रो हैं, 1, 2 एंड 3। अब हर रो के अंदर एक सेल होता है, देखें ये सेल है। अब टेबल डिस्क्रिप्शन है सेल के अंदर हमने देनी है, TD से यूज करते हैं। अब देखें ये मतलब TD आ गया, कॉलम जिसे हम कहते हैं TD में जेल है, स्मिथ है और 50 है, देखें। अब इसी तरह ये जो चीज़ है ये रो में आ गई, तो हमारे पास पहली रो खत्म हो गया। देखें नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं तो फिर TR से स्टार्ट करेंगे, TR से अंदर फिर हमारे पास आया है, जैक्सन है और 94 है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल है, टेबल में हमारे पास ये रो आ जाएगी TR, और ये हमारे पास पूरी एक रो है, इस रो के अंदर हमने जो चीज़ें देनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक रो है, इसके अंदर जो चीज़ हम देंगे उसे TD से डिनोट करेंगे, और TD हमारे पास ये हमने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन देनी है, और हमारे पास 3 रोज यूज हुई है और 3 हमने रोज दी हैं, और ये सारा का सारा काम हम टेबल के अंदर कर रहे हैं। अब इसकी एक्सप्लेनर जो हमने एग्जाम्पल देखी है, तो टेबल आर डिफाइंड विद अ टेबल टैग, टेबल को हम टेबल टैग से डिफाइन करते हैं। टेबल जो डिवाइड होता है रोज में डिवाइड होता है, तो उसको हम TR टैग से यूज़ करेंगे। टेबल रोज डिवाइड इन द टेबल डेटा, डेटा ये डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होता है, तो टेबल का डेटा हम जो देंगे उसको हम TD से डिनोट करेंगे, ये TD उसका टैग है। और अगर आपने हेडिंग्स अप्लाई करनी है टेबल के ऊपर तो उसको TH से हम यूज़ करेंगे, मीन टेबल की हेडिंग, टेबल हेडिंग हमने यूज़ करनी है तो उसको TH से हम यूज़ टैग हम उसका यूज़ करेंगे। एन HTML टेबल विद अ बॉर्डर एट्रीब्यूट, बॉर्डर का जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो कैसे यूज होता है, इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉर्डर फॉर द टेबल, अगर आपके टेबल के ऊपर बॉर्डर नहीं है, क्योंकि बॉर्डर हाइट क्या होता है तो उसकी अपने उसकी थिकनेस देनी होती है बॉर्डर की, तो आप वो देंगे, तो उसके लिए हमने जो एट्रीब्यूट यूज करना है बॉर्डर के लिए, तो आप यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। अब देखें टेबल के अंदर बॉर्डर दे दिया 1, स्टाइल विड्थ 100% दे दिया, बॉर्डर जो इसका 1 है, अब यहाँ पे देखें जरा आप, तो इसका बॉर्डर आ गया 1, देख सकते हैं विड्थ इसका 100% यहां से लेकर यहां तक 100%, 50% करोगे तो इसका हाफ हो जाएगा, तो हमने ये टेबल के अंदर ही काम कर लिया। ओके, अब इसी के अंदर आप देखें रो या कॉलम ये सारी चीजें यहां पे दी हुई है। नेक्स्ट जो हमारे पास है टेबल, अब नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर, अपने अप्लाई करना है स्टाइल उसका अप्लाई करना है बॉर्डर का, तो बॉर्डर का स्टाइल अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आप देखें टेबल TH है, TD है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक मैंने बॉर्डर दे दिया इसको, देख सकते हैं टेबल की विड्थ 100% दे दी मैंने उसको, और यहाँ पे उसी तरह उसका डेटा लिख लिया, और स्टाइल के अंदर ये सारे काम किए, स्टाइल के अंदर मैंने क्या किया, टेबल TH TD बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दिया मैंने यहाँ पे, ये स्टाइल अप्लाई किया टेबल का। प्रैक्टिकली जब काम करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा इसका। स्टाइल में अब टेबल है TH है और TD है, टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है, बॉर्डर कोलैप्स, अब इसमें एग्जांपल ऑफ कोलैप्स है,
कोलैप्स क्या होता है, कोलैप्स आपने को हमने समझाया भी है कि क्लॉप्स कोलैप्स क्या होता है। अब इसके बीच में जो स्पेस होता है इसको कोलैप्स कहते हैं, जो स्पेस आ रहा है कोलैप्स को कर दिया हमने। नेक्स्ट जो हम स्टाइल अप्लाई होगा वो होगा जी सेल पैडिंग। पैडिंग क्या होती है उसमें आपने स्टाइल अप्लाई करना है, और पैडिंग के लिए हमने क्या करना है जी टी एच टेबल हेडिंग और टेबल डेटा में पैडिंग स्टाइल 50 है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है इसको पैडिंग कहते हैं, तो इसको 15 पिक्सल मैंने पैडिंग कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है जी बॉर्डर स्पेसिंग है, इसके बीच में जो स्पेस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया इसको स्पेस कहते हैं। इस स्पेस के लिए हमने क्या किया 15 पिक्सल हमने स्पेस रख दिया इनके बीच में। जब प्रैक्टिकली काम करेंगे आपको क्लियर नजर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे बॉर्डर स्पेसिंग के लिए, ये बॉर्डर स्पेसिंग आ गया, और फिर उसके बाद हमने एट्रीब्यूट एक यूज करना है एग्जांपल सेल स्पेन, स्पेन या मेनी कॉलम के लिए हम यूज करेंगे। और ये सेल स्पेन आता है, स्पेन का क्या फंक्शन है कि मेरे पास टेलीफोन जो है हमारे पास यहां से यहां तक मैंने इसको वाइड कर दिया, और इसके अंदर फिर नीचे यहां पे देखें टेलीफोन के लिए दो मैंने जगह छोड़ दी यहां पे, ये होता है स्पेन। अब ये जो स्पेन है ये सेल स्पेन है विद कॉलम है, और विद रो आप करना चाहें तो रो भी कर सकते हैं, उसका अलग एट्रीब्यूट होता है। और फिल कलर अगर आपने देना है तो फिल कलर देखें यहाँ पे आप टेबल के अंदर फिल कलर दे सकते हैं। बॉर्डर वन पे तो सॉरी ब्लैक है, बॉर्डर क्लैप्स है, लेफ्ट है टेबल आप देखें विड्थ 100% और बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया यहाँ पे। और इसमें आईडी एट्रीब्यूट यूज करते हुए आप अलग अलग रो को भी अलग अलग कलर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली जब करेंगे आपको इंशाल्लाह सही समझ आएगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं टेबल को कुछ प्रैक्टिकली हम शुरू से स्टार्ट करेंगे कि टेबल होता क्या है और उसको प्रैक्टिकली उस पर काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।